उत्तर प्रदेश के संभल में हम लगातार बने हुए हैं और आपको आज सुबह से गुन्नौर सीट का हाल दिखा रहे हैं। अभी हमने समाजवादी पार्टी के जो प्रत्याशी हैं उनसे बातचीत की, भाजपा के विधायक से हमारी बातचीत हुई है और इस वक्त एक और देश की दमदार पार्टी कांग्रेस के कार्यालय पर हम हैं, जो गुन्नौर सीट पर अपने प्रत्याशी के तौर पर विजय शर्मा उर्फ बबलू पंडित जी को उतारा है। तो किस तरह की राजनीति इस बार गुन्नौर की रहने वाली है और कांग्रेस प्रत्याशी किस तरह से अपने मजबूत होने का दावा कर रहे हैं, इनके पास क्या क्या नीति है और खास तौर पर प्राथमिकता किन कामों को लेकर इन्होंने जनता को दिया है। बहुत बहुत स्वागत आपका। ये जो नारा है प्रियंका जी का, लड़की हूँ लड़ सकती हूँ, क्या लगता है ये नारा इस बार उत्तर प्रदेश की सत्ता में और खासकर गुन्नौर की सीट में बदलाव के लिए कारगर होगी? देखिए, उत्तर प्रदेश में ही नहीं पूरे देश में हर सीट पर इसका असर पड़ेगा, क्योंकि आधी आबादी की बात करने की हिम्मत केवल कांग्रेस में है। महिलाओं के सम्मान की अगर बात करी जाती है तो केवल कांग्रेस में की जाती है। मौजूदा सत्ता किस तरह से महिलाओं के साथ उत्पीड़न करती नजर आ रही है, उन्हें दबाने की कोशिश कर रही है। और हम ये कहें कि हमारी राष्ट्रीय महासचिव उत्तर प्रदेश प्रभारी बहन प्रियंका गांधी ने जो ये बीड़ा उठाया है, महिलाओं को आगे बढ़ाने का काम किया है, ये बहुत दमदारी से उत्तर प्रदेश के चुनाव में परिणाम भी दिखाएगा। दूसरे चरण में यहाँ पर मतदान होना है, कुछ और लोग हमारे साथ जुड़ेंगे, आप बताइए, आपके पास फिर आएंगे हम। विजय जी, आप बताएं आपका क्या मुद्दा है इस बार, किस मुद्दे पर गुन्नौर की खास तौर पर जनता अपना मत देने जा रही है, क्या मुद्दा रहेगा इस बार वोटिंग का? यह मुद्दा है किसानों का, मजदूरों का, और सबसे ज्यादा है जो गौ माता के नाम पर उन्होंने गाय है, जिस तरह से गाय चौराहों पर देखी है हमने, गाय सड़कों पर। ये खुले तौर पर कहने में हम गुरेज नहीं करेंगे और हम गोदी मीडिया का काम नहीं कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर एक मुद्दा है। आप देखेंगे गौशाला बनाने की बात कही गई थी और संभल की जो स्थिति है, जब हम यहाँ पहुंचे तो हमने देखा यहाँ के किसान इस सर्दी भरी रात में अपने खेत के बाहर कंबल ओढ़कर, रजाई ओढ़कर, आग का अलाव जलाकर खेतों की रखवाली करते हैं कि कहीं जो आवारा पशु है उनसे खेतों को बर्बादी की ओर ना, वो जो है खेत का चारा ना खा लें और वहां पर फसलों को नुकसान ना पहुंचा दें। आप युवा हैं, युवा क्या सोच रहा है इस बार? युवा पूरी तरीके से प्रियंका दीदी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश में सरकार बनाने का काम करेगा। यूथ को जितना लाठी डंडे खाने का अब शौक नहीं रहा है, अब जब भी पेपर होता है लीक हो जाता है यूथ के साथ। एक मुद्दा और है, बेरोजगारी और महंगाई, आप क्या मानते हैं शर्मा जी, ये मुद्दा फैक्टर रहने वाला है या फिर जिस तरह राम मंदिर और योगी जी के सुशासन के दावे किए जा रहे हैं कि दंगाइयों को तो हमने अंदर धकेल दिया, आप देखे आजम खान कहाँ है तो कौन कहाँ है, इस तरह की बातें चलती है और ये भी कहा जाता है कि गर्मी उतारी जाएगी 10 तारीख के बाद, क्या मानते हैं? देखिए, जिसके खुद की क्राइम हिस्ट्री इतनी बड़ी हो, जिसे एक तरह से कहा जाए कि जो हिटलरी दिखाने का काम करते हैं, जिस भाषा पर वो बोलते हैं, मुझे नहीं लगता कि मुख्यमंत्री को वो भाषा शोभनीय है, क्योंकि देश का एक एक नागरिक अपने मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री की ओर देखता है और उनसे अपेक्षा रखता है कि वो बातें कहें जिससे विकास की बात हो, युवाओं की बात हो। एक असल पैमाना और बात कर लेते हैं, आप देखेंगे दोनों ही पार्टी, समाजवादी हो या भाजपा, सीधे तौर पर खुले तौर पर कहती है कांग्रेस का क्या है, अब कांग्रेस कहीं नहीं रही, ऐसे में आप क्या मानते हैं, क्या कहेंगे, क्या चेतावनी है इन पार्टियों के लिए? देखिए, बीजेपी को 70 साल जनता ने बाहर रखा है, 10 साल में अगर वो अहंकार में ये भाषा बोलते हैं तो ये भाषा हम उनके लिए नहीं बोलेंगे। और समाजवादी कितने दिन से उत्तर प्रदेश में आई है, लगातार 2-3 बार 4 बार मुख्यमंत्री भी इनके रहे हैं, इनकी गुंडागर्दी को और उनकी गुंडागर्दी को जमीन अच्छी तरह से जान गई है, क्योंकि कमी किसी में नहीं है, एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, एक दूसरे को दिखाकर ये जो दिखाने का काम करते हैं। यहाँ कही जाए कि गोदी मीडिया जो फोकस दिखाती है कि योगी जी, अखिलेश जी, मैं कहूँ कि दोनों मिले हैं, इनके फुटेज वायरल होते हैं आपस में, ये रिश्तेदार हैं, ये तो जनता को दिखाने का काम करते हैं कि ये अलग है, इनके मिशन भी एक है, ये देश को तबाही की ओर, प्रदेश को तबाही की ओर लेकर गए हैं। अगर इन्होंने कहीं रोजगार की बात की हो, शिक्षा की बात की हो, जिस विधानसभा में आप खड़े हैं वहां से खुद मुलायम सिंह जी मुख्यमंत्री रहे हैं, जो विधायक रहकर, और जहां मुख्यमंत्री रहे हो एक यूनिवर्सिटी ना हो, जहां अस्पताल नाम की चीज ना हो, और वहां वो बड़े बड़े वादों की बात करें, उनके बेटा बड़े बड़े वादों की बात करें, इन्हें 80% से अधिक मतदान देकर गुन्नौर की जनता ने विधायक चुना, जबकि ये आसपास या अपने आसपास की किसी सीट पर, मैं कहूँ अखिलेश जी अब भी चुनाव लड़ रहे हैं, इतना रिकॉर्ड मतदान नहीं ले सकते,
क्या रही है? आप आए बिल्कुल आए, आपसे भी बातचीत करेंगे। कहाँ रहते हैं आप? गुन्नौर में रहता हूँ। गुन्नौर में रहते हैं। गुन्नौर का प्रमुख मुद्दा क्या है इस बार चुनाव का, ये बताए? हवा हवाई बात नहीं, जमीनी हकीकत। मैं ये पूछना चाहता हूँ, सन 2014 में राम पैदा हुए थे क्या? राम का जन्म कब हुआ था? ये जो गाना गा रहे हैं, क्या हम राम, हम उनको लाएंगे जो राम को लाए हैं? राम 14 में पैदा हुए थे क्या? मुद्दा है, कहते हैं राम मंदिर बनाया है। पहले पार्टियां कहते थे कि मंदिर तो बनाएंगे, लेकिन तारीख में राम के मंदिर मस्जिद के अलावा इनका कोई काम नहीं है। हम ये फेल हो चुके हैं, अब इनका आखिरी वक्त है। इन्होंने पूरा नंगा नाच कर दिया बीजेपी वालों ने, मोदी हो या योगी हो। पब्लिक समझ गई है, हमारे हिंदू भाई भी समझ चुके हैं, ये मुद्दा अब कोई नहीं है, खत्म हो चुका है, मंदिर बन चुका है। मुसलमान भी जो ये था मुद्दा खत्म हो चुका, मुसलमान इस मुद्दे कह रहे हैं कि राम मंदिर के सहारे भाजपा की नैया 2022 में पार होती नहीं दिख रही है। आखिर में आप क्या अपील करेंगे गुन्नौर की जनता से, इस बार अधिक से अधिक मतदान हो, साथ में कैसे प्रत्याशी का चयन हो, कई उम्मीदवार हैं? मैं कहूं ऐसे प्रत्याशी का गुन्नौर विधानसभा चयन करेगी जो उनकी बात को विधानसभा में उठाए। लगातार गुन्नौर में आप देखेंगे दो विधायक, एक विधायक मौजूदा है, एक पूर्व विधायक है, और गुन्नौर में तमाम पूर्व विधायक है, खान है गुन्नौर में पूर्व विधायकों की, लेकिन इतिहास गवाह है, रिकॉर्ड है विधानसभा में कि आज तक गुन्नौर के किसी विधायक ने विधानसभा के पटल पर गुन्नौर का एक भी मुद्दा नहीं उठाया। और मैं अपील करूंगा कि गुन्नौर के लिए जो भी समस्याएं हैं गुन्नौर की, जो मेरी नजर में है, मुझे दिखती है, युवाओं की हो, बेरोजगारी की हो, महिलाओं की हो, शिक्षा की हो, स्वास्थ्य की हो, इन्हें लेकर विधानसभा के पटल पर उठाऊंगा। यही अपील मैं जनता से करता हूं कि आप ऐसा विधायक चुने, क्योंकि वो आपका एक प्रतिनिधि होता है और आपका प्रतिनिधि आपकी बात को विधानसभा में उठा सके। ये जो उठक पटक की राजनीति गुन्नौर में अब तक चली आ रही थी, जैसे हमारे यहाँ देखा जाता है कि एक सन मूरत का खेल चलता है कि सिक्के की कभी सन कभी मूरत, कभी राजू कभी राम खिलाड़ी, ये समझते थे 5 साल तुम सताओ, 5 साल मेरे पास आ जाएंगे, फिर मैं सताऊंगा, फिर आपके पास चले जाएंगे। अब जनता के लिए मैं एक विकल्प के रूप में हूँ और मैं पूरी ताकत से कहता हूँ कि गुन्नौर की विधानसभा से इन्हें हार का मुंह देखना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ का युवा जागरूक हो चुका है, यहाँ की जनता समझ चुकी है, इनके बस की ये भी नहीं। मैं खुलेआम कहता हूँ, यहाँ 9-10-12 प्रत्याशी जो भी है, खुली चुनौती है, अगर इनमें दम है तो किसी भी खुली मीडिया के सामने मुझसे डिबेट कर लें, मैं इनके सामने के चैलेंज दे रहे हैं विजय शर्मा जी कि किसी भी स्वतंत्र मीडिया के सामने डिबेट को, जो पूर्व में विधायक रहे हो या निवर्तमान विधायक हो, तैयार हो, यहाँ की समस्या और यहाँ के आकलन पर, यहाँ के मुद्दे पर बातचीत होगी, और उन बातचीत में अगर वो जवाब दे देते हैं कि हमने काम क्या किया है, तो जाहिर सी बात है कि जनता उनके साथ उनके जनमत की ओर जाएगी। बहरहाल विधानसभा चुनाव है और आरोप प्रत्यारोप का दौर तमाम राजनीतिक पार्टियों की ओर से जारी है। इसी दरमियान देखने वाली बात यह कि गुन्नौर की सबसे बड़ी समस्या जिसका अभी तक कोई इलाज नहीं हुआ है, उसमें अस्पताल तो है ही, लेकिन आजकल एक बड़ा मुद्दा है किसानों का, और इसी मुद्दे को लेकर हम लगातार तमाम पार्टियों से चर्चा कर रहे हैं, तमाम प्रत्याशियों से चर्चा कर रहे हैं और कोशिश में जुटे हैं कि जनता का जो जनाधार है वो किस ओर जाएगा। लगातार यूपी की 403 विधानसभा सीटों का जो आकलन है मोबाइल न्यूज 24 आप तक दे रहा है। बने रहिए हमारे साथ उत्तर प्रदेश सहित देश और दुनिया की तमाम खबरों से अपडेट रहने के लिए।